स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन और रोज के तरह आज भी आया आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। तो दोस्तों पहले देखते हैं हेडलाइन क्या है आज का। पहला है जियो का बड़ा धमाका, 5G का स्मार्टफोन लेके आ रहा है जियो A to Z। अब इसमें क्या क्या है डिटेल्स में जानेंगे। दूसरा है एक अब उमंग ऐप करके आया है सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए। इसमें आपको सारे केंद्र सरकार की राज्य सरकार की सारे सेवाएँ जो आप ऑफिस जाके लेते हैं वो सारा मिलेगा। इसके बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। और फिर अभी दो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट भी आ रहा है, वो सब उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे जियो वाले से, जियो फोन से। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाइएगा। दोस्तों जियो का एक बड़ा धमाकेदार फ़ोन आया है 5G जिसमें सपोर्ट करेगा। अभी करीब करीब देश भर में अगले साल से 5G पूरे देश में आ जाएगा, तो उसके लिए आपको 5G डिवाइस की ज़रूरत होगी और 5G फ़ोन आपको लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप जियो पे भी जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा होता है जियो का। अगर आपके पास कम बजट है और जियो की अच्छी सर्विस चाहिए तो जियो फ़ोन में आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। तो क्या क्या इसमें है इसके बारे में जानते हैं। जैसे बताया जा रहा है बैटरी और धांसू कैमरा है, इसके बारे में ठीक से डिटेल्स देखते हैं क्या क्या है इस फोन में। फ़ोन का तस्वीर आप देख रहे हैं, बॉक्स है। 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, माना जा रहा है कि 5G सर्विस शुरू होने के बाद आ जाएगा। तो इसमें देखिए जियो फोन की कीमत और फीचर के बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या है। जियो फोन 5G और इसमें अब आपको स्नैपड्रैगन 480 प्लस SoC जो कि एक अच्छा चिपसेट है, मिड रेंज, मतलब मिड तो नहीं बोला जा सकता, लो रेंज का एक अच्छा आपको मिलेगा। इसमें 4GB का रैम मिलेगा, 5G की कनेक्टिविटी होगी, 64GB का स्टोरेज मिलेगा जो कि ठीक ठाक स्टोरेज होगा आपका, आपके लिए लो रेंज के फ़ोन में। ये फ़ोन आपको 8000 से 10000 के बीच में आ जाएगा आपके लिए। फ़ोन कई भाषाओं को सपोर्ट करेगा, जैसे कि हिंदी इंग्लिश है, फिर रीजनल भाषाओं को भी ये फ़ोन सपोर्ट करेगा और आपको आसानी होगी अगर आप हिंदी में देख जानना चाहते हैं या और किसी भी भाषा में आप उस फ़ोन को उपयोग कर पाएंगे। जियो फोन 5G में और क्या क्या है इसमें। 6.5 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड साइज जो आजकल नॉर्मल हो गया है। उसके बाद 5000 mAh की तगड़ी बैटरी होगी जो कि 5G में चाहिए ही होगा, क्योंकि 5G में आपको बैटरी का स्ट्रेंथ अच्छा चाहिए, तो 5000 mAh की बैटरी होगी। 18W का फास्ट चार्जिंग तो नहीं कहेंगे पर हाँ ठीक ठाक चार्ज आपको चार्जिंग सपोर्ट करेगा। और कैमरा की बात करें तो कैमरा भी 13 MP का है प्लस 2 MP का सेकेंडरी कैमरा होगा और 8 MP का आपका सेल्फी कैमरा होगा। यह सेकेंडरी मतलब 2 सेटअप कैमरा सिस्टम होगा, मोबाइल में पीछे आपको 2 कैमरा दिखेगा। तो दोस्तों ये है पूरा डिटेल्स जियो 5G फ़ोन का और ये जल्दी लॉन्च होने वाला है। अगर आप भी 5G फ़ोन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हैं, आपको 10000 से नीचे में ये फ़ोन मिल जाएगा। इसमें कई मॉडल आएगा, आप हायर रेंज पे भी जा सकते हैं और लो रेंज पे भी। तो दोस्तों चलते हैं अगले न्यूज़ पे, इस पर और कोई अपडेट होगा तो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। दूसरा है एक उमंग ऐप है जो सरकारी सेवाओं का आपको कनेक्ट करता है एक ही जगह पे। जैसे आप किसी भी सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर जाके आप कर्मचारियों के पीछे पीछे घूमते हैं जो कि आजकल आम हो गया है, तो उस तरीके का ये ऐप सरकार ने लॉन्च किया है, उमंग ऐप है। इसमें आप सारे ही सेवाओं को आराम से एक्सेस कर पाएंगे घर बैठे और उसका रिक्वेस्ट दे पाएंगे, फिर आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें सारा काम हो जाएगा। तो क्या क्या है देखते हैं। इसमें आसान हुआ सरकारी काम, वहीं आजकल मोबाइल हर किसी के पास होता है, ऐसे में सरकार की ओर से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से कई सरकारी काम आसानी से हो सकते हैं। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की सेवाओं का भी फायदा इस ऐप के जरिए उठाया जा सकता है। ऐप का नाम मैंने बता दिया, उमंग है। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। आईफोन के यूज़र हैं तो आईफोन का प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं वो भी देख लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के जरिए प्रदान की जाने वाली 150 से अधिक विभिन्न सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो ज़्यादातर सेवा आपको जो आप इसको आसानी से इस पर उपयोग कर पाएंगे। और इसमें अब दूसरी क्या है कि इस एप्लीकेशन में अंग्रेजी के अलावा हिंदी, मराठी, तमिल, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा है जो 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जो कि मेन सारे बड़ी लैंग्वेज हैं। इसमें आप इसमें क्या क्या कर पाएंगे देखिए। आप गैस, पानी, बिजली आदि जैसे विभिन्न उपयोग
बिलों को आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे, क्योंकि डिजी लॉकर आधारित सहित प्रमुख एकीकृत सेवा भी प्रदान करती है। ये एक कॉम्पैक्ट चीज़ है जहाँ पे एक जगह पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा। अभी इसे डाउनलोड करके, मैंने इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे देखा है दोस्तों, ये बड़ा ही अच्छा काम करता है। आप इसको एक बार कर सकते हैं अगर आप सरकारी सेवाओं का बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे घर में बिजली बिल भरते हैं, किसी भी प्रकार का जहाँ पे भी आपको दिक्कत आती है उसको उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही उपयोगी है, आप इस पर जरूर जाएँ और कुछ अपडेट होगा दोस्तों जरूर लेके आएंगे। और आखिर में चलते हैं, दो राज्यों में विधानसभा चुनाव था, एक गुजरात और एक हिमाचल में। तो गुजरात में आप देख ही पाएंगे स्क्रीन पे बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। इससे पहले इतना सीट किसी ने नहीं जीता था, 149 सीट इससे पहले कांग्रेस का रिकॉर्ड था, जिसको तोड़ के 157 सीट पे आगे चल रहा है बीजेपी और लगभग जीत ही जाएगा। मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाना ही है और मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है गुजरात में। अब देख ही सकते हैं गुजरात में बीजेपी की जीत, गांधीनगर से दिल्ली तक जश्न का माहौल। तो बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता है वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, मैंने टीवी पे भी देखा था इसको। तो यहाँ पे बीजेपी को बधाई है और अच्छा काम करे, गुजरात में उन्होंने बहुत अच्छा काम पहले भी किया है। और बात करेंगे हिमाचल की, हिमाचल में बीजेपी लगभग हार सी गई है, पीछे चल रही है 26 सीट पर और 39 सीट पर कांग्रेस का बढ़त है और आम आदमी पार्टी को तो यहाँ कुछ नहीं मिला है। पर हाँ, आम आदमी पार्टी का बात करेंगे गुजरात में, तो गुजरात में 5 सीट लेके आई है। कोई पहली पार्टी जब चुनाव लड़ती है किसी स्टेट में तो 5 सीट लाना भी बहुत अच्छा है। और वोट परसेंट की बात करें तो 13% वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिला है, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है। और इससे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने में भी मदद मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर इनको सीट तो नहीं मिला है और वोट परसेंट भी बहुत कम है। तो अभी तो इनको हिमाचल में काम करने की ज़रूरत है, अपनी काडर बेस पे और निचले बूथ लेवल पे इनको अभी ज़रूरत है कार्यकर्ता बनाने का, जुटाने की ज़रूरत है। पर यहाँ पे कांग्रेस वापसी करती नज़र आ रही है और बीजेपी भी चढ़ गई है दोस्तों। तो 39 सीट पर आगे है और हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन यहाँ पर कम्फर्टेबल है, कांग्रेस सरकार बना लेगी हिमाचल में। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ है क्योंकि पहले बीजेपी का सरकार था। तो दोस्तों ये दो राज्यों के बारे में बता दिया, अभी अभी तक तो इनका अपडेट पूरी तरीके से नहीं आया है। हो संभवतः यही दोनों रिजल्ट रहेगा कि बीजेपी गुजरात जीतेगी और हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, बाकी कल के वीडियो में मिलते हैं। और मेरे चैनल पर अभी तक बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।